हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, तो आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस पता है आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है ब्लॉग स्टार्ट करने में, मतलब पहली बार इतना लेट हुआ है और हमारी किस्मत अभी बहुत 3-4 दिन से ना ख़राब चल रही है। हम जिस टाइम पे नहाने जा रहे हैं ना उस टाइम पे लाइन कट, मतलब बिजली चली जा रही है और जैसे ही नहा कट रहे हैं बिजली आ जा रही है। पता नहीं कैसी हमारी किस्मत चल रही है अभी। और गाइस पहले ही से ना बहुत ज़्यादा लेट है और भूख भी लगी है बहुत ज़ोर से। अभी हमें पूजा भी करने जाना है। और धूप देखिए, कल क्या बारिश हो रही थी मस्त वाली और आज धूप ना बहुत तेज वाली है। आज तो दोपहर बज रही है दो और अभी हम आ चुके हैं छत पर धूप लेने के लिए और धूप ना बहुत प्यारा लग रहा है। मन कर रहा है कि बस यहीं पे सो जाए, अभी नीचे जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि कल ना बारिश की वजह से आज थोड़ा धूप मतलब डाउन लग रहा है और इसके पहले वाला ना तो बहुत तेज वाली लग रहा था। दोपहर में ना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया, तो कल से थोड़ा मौसम ठंडा है तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। गाइस अभी नींद भी लग रही है बहुत तगड़ी वाली। और अभी हम निकल रहे हैं घर से बाहर क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया ना, बहुत ज़्यादा। अभी बाबू का तबीयत भी ख़राब हो गया, अभी गया मेडिकल में दवा लेने के लिए और उसी को ना हम लेकर जाने वाले थे, तो अभी घर पे भैया आए फिर उसको लेके चले गए। तो हम सोचे चलते हैं छत पे धूप लेने के लिए। गाइस अभी तो मज़ा ही आ रहा है बहुत ज़्यादा, अभी लग रहा है कि सो जाएंगे यहीं पे छत पे, इतना अच्छा धूप लग रहा है। और सुबह में क्या तगड़ी वाली भूख लगी थी, उस टाइम पे लाइन का वेट करते करते ना बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था और ज़्यादा वेट करते ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा है। आगे ना हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पूरा ब्लैक लग रहा है ऐसा, इतना तगड़ा वाला रोशनी आ रहा है और गाइस बहुत ज़्यादा ही। तो अभी ना हमें मन कर रहा है बैर खाने से डायरेक्ट यहाँ से, और गाइस अभी हवा भी चल रही है उसके चलते भी ना धूप नहीं लग रहा है। तो अभी थोड़ा मन कर रहा है पैर करने के लिए, तो चलते अभी तोड़ने के लिए और उसके बाद आके बैठते हैं यहाँ। अभी हम आ गए छत से नीचे क्योंकि हमें जाना है मार्केट और बैर भी हम खा लिए, अब हो गया, अब ज़्यादा नहीं खाते हम बैर। और संजना ना बैर को खाना बना लिए, उसको सुबह उठते हैं बैर और शाम सोते पैर, बस वही दिख रहा है सिर्फ पैर पे। और पहले भी ना मतलब हम भी छोटे थे बहुत मन कर रहा था पैर खाने के लिए, अब छोटे क्या पता है कि क्या हो रहा है, और अब मतलब हल्का भी मन नहीं करता, जब मन करते तब मन करता, मतलब खाते हैं ऐसे। और अभी एक ना और खा लेते हैं, एक खाने में कुछ भी नहीं हुआ बट काफ़ी खा लिए, मन भर गया। और बाबू का तबीयत ना एक भाई का ख़राब हो गया, अभी सुबह में ठीक था, अभी हमारे साथ खेल रहा था और गाइस जब मतलब वो खेलते रहते ना तो बहुत अच्छा लगता है, और जब किसी का भी तबीयत खराब होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जब मेरा तबीयत खराब होता है तो हम देख चुके तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पहले पूरे शरीर में ना पेन होना स्टार्ट हो जाता है बुखार में। तो अभी हम ना रिजू को कॉल कर रहे हैं और अभी निकलते हैं हम मार्केट के लिए क्योंकि थोड़ा सा काम है उधर। गाइस आप लोगों को पता है थोड़ी देर पहले हम गए थे मार्केट और अभी ना फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, और अभी संजना के साथ ना थोड़ा सा प्रैंक कर रहे थे। सारे लोग छत पे गए हैं, थोड़ा सा काम था तो उसको मतलब वो भी ना जाने के लिए जिद कर रही थी हमसे कि चागाओ ऊपर छत पे जाना है हमें, तो हम बोल रहे ना कि पहले एक काम करोगे ना फिर तुमको ले जाएंगे छत पे। और वहाँ से ना हम काम करवा लिए फिर हम भाग गए हैं इधर, वो हमारे मतलब काफ़ी देर से हमें ढूंढ रही थी और फिर रोना स्टार्ट कर दिए, तो अभी उसको छत पे हम चागा के आ रहे हैं। उस दिन पता नहीं क्या चीज़ यहाँ पे गमक रहा था, हम आए और बहुत गंदा वाला गम का मतलब तो काफ़ी गंदा वाला बदबू आ रहा था इधर, तो तुरंत वहाँ से हम घूम के चले गए, फिर देखे भी नहीं, फिर 2 दिन के बाद आ रहे तो फिर ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है इधर। गाइस इधर ना सिर्फ एक लोग दिख रहे और अभी ना पटरी के बीच में चल रहे हैं, पता नहीं ट्रेन जा रही है पूरा सुनसान, ऐसा लग रहा है ना कि इधर ट्रेन चलती भी नहीं है। और धूप है तो हम तो नहर से जाएंगे नहीं क्योंकि चलने में धूप नहीं लग रही है, रुकने में धूप लग रही है। और यहाँ पे एक गड्ढा है बट पता नहीं किस चीज का गड्ढा है, मैं पता नहीं, लग रहा है ना कि कुछ है इसमें,
पता नहीं क्या चीज है। आज तक ने पता नहीं चला ना कि ये किस चीज के लिए बनाया गया है। इसका कोई काम ही नहीं है, बस यहाँ पे ना बड़ा सा हॉल है और काफी बड़ा भी है। और इस घर के सामने हमें लग रहा था ना कि वो पानी पानी वाला बना होगा, मतलब पानी इकट्ठा करने के लिए, बट उसका नाली नहीं दिख रहा है, कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। किस लिए ना वहां पे बनाया गया है उतना बड़ा हॉल।